वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई जमीन का टुकड़ा है, वो जमीन का टुकड़ा कैसी आकृति का है, समलंब आकृति का है, तो हम उस जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और साथ ही साथ हम उस आकृति का या उस जमीन का बंटवारा कैसे करेंगे। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते, चलते अपने क्वेश्चन में। तो देखिये, ये हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है जो कि समलंब आकृति का है। अब ये समलंब आकृति का कैसे है, तो देखिये, ये जो इसकी दोनों भुजाएं है ना आमने सामने की, ये किस फॉर्म में है, ये है समांतर भुजाएं। अगर हम इन दोनों भुजाओं को आगे कितना भी एक्सटेंड कर लें, इसको यहां से आगे एक्सटेंड कर लीजिए, इसको यहां से बढ़ा लीजिए, चाहे आप यहां से बढ़ा लीजिए, चाहे आप यहां से बढ़ा लीजिए, ये दोनों भुजाएं आपस में कभी भी नहीं मिल पाएंगी। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं हमारी कैसी है, समांतर भुजाएं। अच्छा, जब बारी आती है ये वाली भुजा और इस वाली भुजा की, तो देखिए इन दोनों भुजाओं को अगर हम आपस में एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये आपस में मिल जाएंगी। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं हमारी समांतर भुजाएं नहीं है। नेमिंग करते हैं इसकी ए बी सी डी। ठीक, हमारी समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी और सी डी। ठीक है, लेंथ को क्या क्या है, ए से बी तक है 60 फिट, बी से सी तक है 36 फिट, और सी से डी तक है हमारी 45 फिट। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले इस जमीन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं समझ लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं समलंब जमीन का क्षेत्रफल। समलंब जमीन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, ड्राइव करते हैं 1/2 गुणा समांतर भुजाएं हमारी कौन कौन सी हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए, समांतर भुजाएं हमारी एक तो है 45 फिट और एक है 60 फिट। यहां पर हम लिख लेते हैं 45 फिट प्लस 60 फिट। ठीक है, 45 फिट प्लस 60 फिट गुणा इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कौन सी है, क्या यह है बीच की दूरी, नहीं, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है 36 फिट। क्यों 36 फिट ही क्यों है, क्योंकि देखिए ये शीर्ष से, इसके शीर्ष से इसके आधार पे क्या बना रही है, लंब बना रही है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। यानी कि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, ये दोनों भुजाएं बिल्कुल गुनिया में हैं, और जो भुजाएं गुनिया में होंगी वही क्या बनेंगी, इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बनेंगी। ठीक है, ये गुनिया में हो गई, तो इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी हुई, 36 फिट। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1/2 गुणा 45 + 60 कितना हो गया, 105 गुणा 36, 2 से एक बार कट जाएगा तो उसे 18 बार कट जाएगा। ठीक है, 18 × 5 = 90 और 18 × 1 = 18, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 1890 वर्ग फुट। अच्छा, यहां पर इस जमीन का क्षेत्रफल आ गया। अगर हमें इस जमीन के क्षेत्रफल को तीन भाइयों में बंटवारा करना है, तीन भाइयों में बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर जो देखिए बंटवारा करना है, कितने भाइयों में करना है, तीन भाइयों में, तो प्रत्येक भाई के पास क्षेत्रफल कितना आएगा, प्रत्येक भाई के पास जमीन कितनी आएगी, यहां पर हम लिख लेते हैं प्रत्येक भाई का भाग, प्रत्येक भाई का भाग जमीन में कितना होगा, 1890 का हम भाग लगा देंगे किससे, तीन से, तीन से भाग लगा देते हैं। तो देखिए तीन से कट रहा है, तीन से एक बार, 3 × 18, 3 × 3 = 9 और 0, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 630 वर्ग फुट। एक भाई के पास जमीन कितनी आएगी, 630 वर्ग फिट आएगी। ठीक है, अब यहां पर हमें जमीन बांटनी कैसे, कैसे देनी है, तो देखिए बिल्कुल सीधी सीधी आप जमीन दे दीजिए, कोई आपको काट छांट नहीं करनी है। सी से डी तक लंबाई कितनी है जमीन की, 45 फिट। अगर हम इस लंबाई के तीन हिस्से करते हैं, तो मान लीजिए ये जमीन इस तरीके से बढ़ जाएगी, 15 फिट 15 फिट 15 फिट, 15 × 3 = 45 हो गया, 15 15 15 बढ़ गई। इसी तरीके से अगर हम ए से बी तक 60 फिट जमीन है, इसके भी तीन हिस्से करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 20
और ये भी 20 हो गई और ये भी 20 हो गई। ठीक, क्या करना है आपको, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक है, ये पहले भाई का हिस्सा हो गया, ये दूसरे भाई का हिस्सा हो गया और ये तीसरे भाई का हिस्सा हो गया। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो ये हमने बंटवारा किया है इनके पास जो जमीन आई है वो 630 वर्ग फीट आई है। अब अपने क्वेश्चन को आप वेरीफाई करेंगे नहीं करेंगे, आपका जो आंसर आया उसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं प्रत्येक भाई के हिस्से का क्षेत्रफल, प्रत्येक भाई के हिस्से का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेंगे, एक बट्टे दो। अच्छा यहां पर हमारी जमीन, प्रत्येक भाई के पास जो जमीन बन रही है वो किस आकृति में बन रही है, क्या ये त्रिभुज आकृति में है या ये वर्गाकार है या ये आयताकार है, नहीं इनमें से कोई भी नहीं है, ये है एक समलम्ब आकृति की। प्रत्येक भाई के पास जो जमीन जाएगी वो भी कैसे जाएगी, समलम्ब आकृति में जाएगी, क्योंकि देखिए ये दोनों भुजाएं कौन सी हो गई, जैसे मान नेमिंग करते हैं एबीसीडी हो गया ई एफ, ये हो गया जी और ये हो गया एच। ठीक है, अगर हम डी से एच को देखें और ए से ई को देखें तो ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई, समांतर भुजाएं हो गई, और इनके बीच की दूरी क्या होगी। अब इनके बीच की दूरी का भी तो भाई कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा वहां पर, तो आप एडी की लेंथ कोई लिखेंगे या आप एच ई की लेंथ नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे जो इसके शीर्ष से जाएगी, यहां से जो इसके शीर्ष से जाएगी कहां पर, इसके आधार पे, जो शीर्ष से इसके आधार पे जाएगी वो होगी इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। इसका मतलब ये 36 फीट है तो इसके भुजाओं के बीच की दूरी यहां से भी 36 फीट ही होगी, चाहे आप इसको आगे कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी आगे तक भी चली जाएंगी 36 फीट ही होगी। ठीक है, क्योंकि समांतर भुजाएं। इसी तरीके से अगर हम एच से के शीर्ष से इस तरीके से लगा दें तो देखिए ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ये वाली बनेगी। ठीक है, ये नहीं बनेगी एच ई या जी एच जी एफ नहीं बनेगी, ठीक है ये बनेगी बीच की दूरी कितनी होगी 36 फीट। फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक बटे दो, क्योंकि ये समलम्ब आकृति बन रही है तो फॉर्मूला भी समलम्ब का ही चतुर्भुज का लगेगा, एक बटे दो समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, एक बटे दो गुणा। अच्छा समांतर भुजाएं हमारी कौन कौन सी हैं, एक तो है डी एच, अगर हम पहले वाई का क्षेत्रफल निकाल लें, डी एच और ए ई, डी एच कितनी है 15 प्लस 20 गुणा इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी 36 होगी। ठीक, एक बटे दो गुणा 15 और 20 35 गुणा 36, दो से काट देते हैं, दो से एक बार, दो से 18 बार गुणा करा लेते हैं 35 का किससे 18 से, 18 पंजे 90, 9 हासिल आ गया, 18 तीय 54, 54 और 9 63, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 630 वर्ग फुट। तो देखिए इस तरीके से आपका आंसर भी वेरीफाई हो गया कि आपने जो प्रत्येक भाई का हिस्से का जो क्षेत्रफल निकाला था, प्रत्येक भाई का जो भाग निकाला था वो बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।